हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बूरा पवार, आपके सामने क्रैक कैम में आपका स्वागत है। देखो, आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वांटम केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, जो सीएसआईआर नेट में 2013 में आपसे पूछी गई थी। देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, इसने कहा सपोज द ग्राउंड स्टेशनरी स्टेट ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, मींस आपको किसके बारे में बात कर रहा है, SHO के बारे में बात कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको दिया गया है विद द फोर्स कांस्टेंट के इज गिवन, साई की वैल्यू है एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वेयर, मीन्स आपको फंक्शन दे रखा है ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर आपको गिवन है। इसने बोला है देन ए शुड डिपेंड ऑन के, ए के से किस तरह से डिपेंड करता है, ए बी सी डी में से आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखो, अभी अभी इससे पहले वाला जो लेक्चर हमारे पास गया है, 11th लेक्चर जो हमारे पास था, वहां पर हमने बात किया था कि जब भी आपके पास SHO दिया जाए उसके लिए जो स्टैंडर्डाइज वेव फंक्शन आपके पास होता है वो बीटा बाय पाई की पावर 1/4 ई रेस टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर बाय 2 होता है, जहां पर बीटा की वैल्यू आपके पास रूट एम के अपोन में एच कट आपके पास वैल्यू होती है। मैंने आपको कहा भी था बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखो और उस टेबल को जरूर याद रखो, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो, SHO के लिए जो स्टैंडर्डाइज वे फंक्शन आपके लिए है 1D SHO के लिए, वो आपके पास साई इक्वल टू बीटा बाय पाई की पावर 1/4 ई रेस टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, जहां बीटा की वैल्यू रूट एम के बाय एच कट आपके पास होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। अब देखो, यहां पर जो फंक्शन दिया गया है वो ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर दिया गया है। मुझे क्या करना है, जो स्टैंडर्डाइज वेव फंक्शन है इसको कंपेयर करना है किसके साथ, ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर के साथ मुझे इसे कंपेयर करना है। तो जैसे ही मैं इसको कंपेयर करती हूँ, ई रेस टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 है, यहाँ ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं इन दोनों पावर वाले को इक्वलेट करती हूँ, दोनों को कंपेयर करती हूँ, तो ध्यान से देखना, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ए एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा बाय 2 हो जाएगी, और बीटा आपके पास क्या होता है, रूट एम के अपॉन एच कट आपके पास है, 2 यहां था, 2 को मैंने ऐसे लिख दिया। आपसे क्या पूछा था, सिंपल ए का रिलेशन आपको बताना था कि के के साथ कैसे वेरी करता है। तो यहां से देखो, ए के साथ कैसे वेरी करता है, ए प्रोपोर्शनल आपके पास है के की पावर 1/2 के। तो सही आंसर आपके पास क्या था, सी आपके पास यहां पर करेक्ट आंसर था। आपको कुछ नहीं करना था, जो भी स्टैंडर्डाइज वेव फंक्शन है दोनों वेव फंक्शन को कंपेयर करना था, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, बस आपको बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। बीटा की वैल्यू को आपने पुट किया रूट एम के बाय एच कट आपने, और यहां से आपने देख लिया कि ए की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, के की वैल्यू 1/2 के प्रोपोर्शनल आपके पास है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है, एक बार करके जरूर देखिएगा। अगले लेक्चर में फिर प्रॉब्लम के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।